हेलो फ्रेंड्स, रूबीज कुक बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे अरबी का मसालेदार सब्जी, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट, ये रोटी पराठा कोई भी चीज़ के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए इसका रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे 500 ग्राम अरबी को हमने 3 से 4 सीटी लगा लिया है और इसे पूरी तरह से ठंडा करके छिलका उतार लेंगे। आप इस तरह का गोल गोल अरबी ही चुनकर लीजिएगा। बहुत सारे अरबी ऊपर से मोटा, नीचे तरफ पतला रहता है, गाठे रहता है, वो अरबी अच्छी नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं चारों ओर से अरबी एक बराबर से यहाँ पे है, तो ये अरबी खाने में अच्छी लगती है और बनाने में भी। और एक बात, अरबी को जब उबाल कर आप इसका सूखी सब्जी बनाते हैं तो उससे इसका छिलका उतारना भी आसान हो जाता है और सब्जी खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो देखिए, इस तरह से सारा अरबी को हमने छिलका उतार कर ले लिया है। इसको इस तरह से 4 पीसेस में हम कट कर लेंगे। आप इसे अपने हिसाब से थोड़ा छोटा बड़ा हिसाब से कट कर सकते हो। हमने इसे 4 पीसेस में लंबा लंबा कट किया है। आप चाहो तो 8 पीसेस में भी कट कर सकते हो। तो देखिए, इस तरह से सारा अरबी को हमने 4 पीसेस में कट करके ले लिया है। इस तरह से कट करेंगे तो देखने में अच्छा लगेगा। अब एक कढ़ाई को गैस के ऊपर चढ़ा दिया है। इसमें 3 चम्मच सरसों ऑयल डालेंगे। इसको गर्म होते ही 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ता डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। जीरा यहाँ पे थोड़ा सा फूट गया है तो उसके बाद हम इसमें कट किया हुआ अरबी को डाल देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम में इसको भुनेंगे। इसको हम चला लेंगे। यहाँ पे हम हींग डालना भूल गए थे। हींग से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद इसको चला कर 2 मिनट पकने देंगे। तुरंत तुरंत नहीं चलाएंगे। तो देखिए, 2 मिनट हो गया है तो इसको एक बार हम चला लेंगे। अरबी यहाँ पे थोड़ा सा भुन गया है तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे कद्दूकस किया हुआ अदरक और 2-3 हरी मिर्च को काट कर ऐड किया है। इसी के साथ ही इसमें जाएगा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा तीखे वाले लाल मिर्च और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। उसके बाद मसालों को अरबी के साथ 2 से 3 मिनट भून लेंगे। अरबी यहाँ पे बॉयल किया हुआ रहता है तो ये अरबी को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 7 से 8 मिनट में ये अरबी अच्छे से भून जाता है। तो देखिए, अरबी मसालों के साथ अच्छे से भून गया है। पहले से हमने थोड़ा सा इमली को पानी में भिगो कर रखा था तो इसका पल्प को थोड़ा सा हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अगर आपको इमली नहीं डालना है तो आप इमली के जगह पे आमचूर पाउडर ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही थोड़ा सा गरम मसाला डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम हम यहाँ पे एकदम लो कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए अरबी को ढक कर पका लेंगे। 2 से 3 मिनट बाद हम यहाँ पे ढक्कन हटाएंगे और देखिए, टेस्टी टेस्टी मसालेदार अरबी का सब्जी बनकर तैयार है। अब इसे हम प्लेटिंग कर लेंगे। ये मसालेदार सब्जी आप रोटी, पराठा, राइस कोई भी चीज के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये अरबी का सब्जी का रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।